मेरा नाम उस्मान खुर्दुम, मैं बदीन सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ से आज एक उन्वान पर बात करने जा रहा हूँ। उस उन्वान का नाम है इंटेलिजेंस। दुनिया में दो तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक होती है नेचुरल फितरती इंसानी और दूसरी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी जो जदीद दौर में चैट जीपीटी का नाम चल रहा है, चैट जीपीटी क्या है, इसका क्या काम कर रहा है, ये क्या काम करता है, और उसके साथ साथ हम रोबोट पर भी बात करेंगे। इस जदीद दौर में रोबोट किस तरह काम कर रहे हैं इंसानों की जगह पर। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी का थोड़ा उसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि पूरी दुनिया की जो इलम नॉलेज वो आपके साथ शेयर करता है। आप उससे अगर पूछेंगे कि मेरा नाम उस्मान पख्तून है, आप मेरे ऊपर एक स्टोरी लिखे, तो आपको स्टोरी आपके लिखे देगा। अगर आप पूछते हैं कि मेरा 16 साल उम्र है, मैं इंटर क्लास में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको गाइड करेगा। उसके अलावा चैट जीपीटी है आपको जिंदगी के जो भी मरहल है, दुनिया की जितनी भी इलम है, क्योंकि चैट जीपीटी को इस मॉडर्न दौर में सबसे बेहतरीन उस्ताद बेस्ट टीचर का नाम दिया गया है वर्ल्ड वाइड में चैट जीपीटी को। आने वाले चंद ही साल में चैट जीपीटी 80 से 82% जो है ना डॉक्टरों को भी खतरा है, ग्राफिक डिजाइनर और बहुत से ऐसे शोबात हैं जिनमें जिनको जो है ना रिप्लेस करता है चैट जीपीटी। जिस तरह डॉक्टर है, डॉक्टर में से जो है ना 80% जो है ना डॉक्टर को रिप्लेस हो जाएंगे बाय चैट जीपीटी एंड रोबोटिक सिस्टम। आप इस वीडियो में भी आप देखेंगे जो रोबोट है अभी इससे भी इंसान बातें कर रहा है, वो इंसान से बातें कर रहा है, इंसान को कह रहा है, इंसान है उसको एक आदमी और शख्स से वो चार मिनट दिखा रहा है, वो कहता है देयर इज 4 फिंगर ऑफ यू, तो वो उसे बता रहा है। अब उसके बाद ये इंसान की तरह काम कैसे कर रहा है वो रोबोट भी हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। देखिए रोबोट जो है ना ये इंसान की तरह काम कर रहा है, ये जब भी मार रहा है इस तरह। चैट जीपीटी आने वाले वक्त में आपको अभी जो चैट जीपीटी 4 आ चुका है आपने देखा है, चैट जीपीटी 4 अभी उसके बाद चैट जीपीटी 5 आएगा, फिर आप उसको टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको फिल्म की तरह एक वीडियो की शक्ल में वो आपको जो है ना प्रोवाइड करके देगा। उसके बाद क्या होगा कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उनको भी इस चैट जीपीटी से खतरा है, क्योंकि आप जब टेक्स्ट करेंगे वो आपको वीडियो की शक्ल में अख्तियार करके देगा। ग्राफिक डिजाइन के लिए अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको ग्राफिक डिजाइन बना के देगा। तो फिर लोग जो है ना और वेब डेवलपमेंट का भी अगर आप इसमें देखेंगे कोडिंग लिखेंगे एचटीएमएल सीएसएस या जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिख के दे तो वो कोडिंग भी ये आपको लिख के देगा। तो इससे वेब डेवलपर को भी खतरा है, इससे जावास्क्रिप्ट जो ग्राफिक डिजाइनर है उसको भी खतरा है, इससे डॉक्टर्स को भी खतरा है। डॉक्टर्स को खतरा किस तरह से? डॉक्टर्स को खतरा इस तरह से क्योंकि जो वर्ल्ड में डिजीज है, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उन सब जितना भी इलम है दुनिया में जितना अब तक इसने हासिल किया है चैट जीपीटी में दुनिया की जितनी भी डिजीज हैं बीमारियां हैं तो उसको एक रोबोट की शिकल में इन द फ्यूचर एक रोबोट की जिस तरह हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठे होते हैं क्लिनिक पर अपने, तो उसको जो रोबोटिक सिस्टम है जिस तरह आपको हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया कि वो रोबोट किस तरह काम कर रहा है, बातें भी कर रहा है, ठीक है ना, तो वो रोबोट की शिकल में उसमें जो वर्ल्ड वाइड की जितनी भी डिजीज है उसकी पूरी नॉलेज, उसकी ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी इसके लिए जो न्यू मेडिसिन आई हुई है कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, वो सब उस रोबोट में फिट की जाएगी। तो वो रोबोट उस चेयर पर बैठा होगा, खाली उसको एक बंदा ग्रुप होगा जो उसके बारे में जानता हो, जो उस रोबोटिक सिस्टम के बारे में जानता हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता हो, वो बंदा उस चीज को चला पाएगा। क्योंकि वर्ल्ड जो भी लैंग्वेज है जिस तरह भी आप जो है ना गूगल पर सर्च कर रहे हैं, तो गूगल पर हम सर्च करते हैं एक तो टाइपिंग के लिए और एक आता है वहाँ पे जो गूगल पे आता है हमारे पास आता है वॉइस के लिए, हम वॉइस से भी सर्च कर सकते हैं, तो हम उसको वॉइस करेंगे तो वॉइस से हमें वो जो है ना वहाँ से ट्रीटमेंट और हमें मेडिसिन बताएगा। रोबोटिक सिस्टम में ऐसा मशीन फिट किया जाएगा तो उससे वो पर्ची निकलेगी जिस पर दवाई लिखी हुई होगी और वो पर्ची आम बंदा जो कि अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा कोई भी ना हो, कोई बात नहीं है, इट डजंट मैटर, वो जाके मेडिकल स्टोर पर देंगे और वहां से जो है ना वो मेडिसिन रिसीव कर सकते। जिस तरह अभी कोरोना आया तो कोरोना का तो रोबोटिक सिस्टम को पता नहीं होगा ना, उसमें वो डिजीज होगी जो उसको उसमें फिट की गई होगी, बाकी जो नई बीमारी है ना उसके लिए 20% डॉक्टर्स की जरूरत होगी ताकि वो उसके लिए क्या करें, रिसर्च करें, तहकीक करें कि किस तरह से आई है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसकी वजह क्या है, तो वो उस
उसकी रिसर्च उसकी टेकिंग के लिए बस 15-20% डॉक्टर जो है ना वो बचेंगे, बाकी जो है ना वो रोबोटिक सिस्टम उसको रिप्लेस कर देगा। चैट जीपीटी जो है ना अभी बहुत से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, जिस तरह आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये जो बंदा है बात कर रहा है। अभी इनसे जर्नलिस्ट जो है जो सोशल मीडिया वाले हैं जिनके चैनल है तो उनको भी खतरा है, सीनियर्स को भी खतरा है, क्योंकि टेक्स्ट करेंगे आपको बिल्कुल वीडियो की शिकल पे न्यूज ब्रेकिंग न्यूज की शिकल पे जो है ये आपको बिल्कुल बता रहा है। अभी ये रिपोर्ट इन्होंने बढ़ा हुई है, उनकी सेक्टर जंपिंग नहीं कर रहा है, इसको हम जो है ना ऐसा आदमी पुलिस के तौर पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें इसका चैनल भी बनाया है, ये सोशल मीडिया पे भी बात कर सकता है, सोशल मीडिया पे जो है ना यूट्यूब चैनल इस तरह ब्रेकिंग न्यूज होती है के तौर पर भी ये काम कर सकता है। उनके अलावा ये जो है जो स्टोर है उसका सामान अब जो है ना जो बॉस है कंपनी का जो मालिक है वो अकेला है, उसके पास कोई लेबर्स मजदूर नहीं है, तो उसके बदले भी ये काम कर रहा है, उसकी जो पॉकेट से वो जो रख रहा है वहाँ पर उठा रहा है और उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। आप मैप देख रहे हैं ना साइड में, मैप देख रहे हैं, ये रोबोट सिस्टम है, इसको वो पता चलाएगा जो इसके बारे में इलम रखता है, उसके बारे में जानता हूँ। अब ये रोबोट जो जब भी मार सकता है एग्जाम की तरह, इस तरह एग्जाम में कोई काम कर रहे हैं ना इसी तरह ये काम कर रहा है, घर के काम भी आपको रोबोट करके देगा। घर में कुकिंग हो या चाय आपको पकानी हो, ठीक है आप बैठे हुए मेहमान हैं, कुछ आपको जिंदगी में साथ कर रहा है वो काम जो है ना रोबोट से किए जाएंगे और उसको कंट्रोल करने वाला इंसान ही होगा। तो ये हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है कि हम सब इस रोबोटिक सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद दौर में जो भी नई चीजें आ रही है उनके बारे में सीखें और उन पर काम करें। अगर काम नहीं करें कम से कम हम सीख तो सकते हैं कि हाँ ये काम किस तरह करना है, इसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में हम तफ्तीश तो कर सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए ना जाना हम सबके लिए बहुत अहम और जरूरी है। जो तो चैट जीपीटी का इस मॉडर्न दौर में हम सबको जानना, हम सबके लिए जानना बहुत अहम मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अहम है।